हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में। डायरेक्शन टेस्ट के अगले पड़ाव पर हैं छात्रगण, जहां पर दिशा संबंधी प्रश्नों में हम दूरी ज्ञात करना सीख रहे थे। प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि दूरी ज्ञात करने के लिए या दिशा ज्ञात करने के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके खींचे गए आरेख। तो यदि दिशा संबंधी प्रश्नों में आपके आरेख उज्ज्वल हैं, आप आरेख बहुत अच्छा से खींच सकते हैं। और साथ ही साथ आरेख के बाद यदि आप डायरेक्शन पर अपनी कमांड हासिल करते हैं, और साथ ही साथ आपको दाएं और बाएं का अच्छा कंसेप्ट आपने इजाद कर लिया है, सीख लिया है, तो डायरेक्शन टेस्ट पर आप मास्टर हो सकते हैं छात्रगण। बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरी ज्ञात करने की। आज की पूरी क्लास, घंटे भर की क्लास हमारी जाएगी, जिसमें पूरी तरह से आज निचोड़ करके रख देंगे इस चैप्टर को और कई बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम प्रश्नों को आप बना करके अपने आप में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा देंगे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और डायरेक्शन टेस्ट के अगले पड़ाव पर लेके चलते हैं, जहां पर कल की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम सब दूरी ज्ञात करने के लिए सीख रहे थे। कहानी वही है छात्रगण, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन लिख चुके हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन को गौर कीजिए, कितना बड़ा क्वेश्चन है। अमित एक निश्चित स्थान ए से उत्तर पूर्व की दिशा में चलते हुए 5 मीटर की दूरी तय कर बिंदु बी पर पहुंचता है। वहां से वह पूर्व की दिशा में चलता है तथा 8 मीटर की दूरी तय करते हुए बिंदु सी पर पहुंचता है। सी से वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाते हुए ए बी के समान दूरी तय कर बिंदु डी पर पहुंचता है। अंत में वहां से वह पश्चिम की दिशा में मुड़कर प्रारंभिक बिंदु ए पर पहुंचता है। तो बताइए कि अमित के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई तथा कौन सी ज्यामितीय आकृति दूरी तय करने के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई। देखिए, दिशा संबंधी प्रश्नों में छात्रगण आरेख कितना मायने रखता है, आपकी डायग्राम कितनी मायने रखती है, ये इस क्वेश्चन से समझा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों का क्वेश्चंस बहुत बहुत दिमाग से लगा कर देखिए और आप खुद गौर कीजिए कि सर कितने इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट हो सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट मेरा जो डायग्राम हम लोग खींचेंगे वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए क्वेश्चन का निर्माण करते हैं। एकदम डायरेक्शन टेस्ट जब भी बनाते हैं अपना, सबसे पहले ये चीज़ लिख के रख लिया कीजिए, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, ये एकदम लिख करके रख लिया कीजिए। अमित एक निश्चित स्थान ए से उत्तर पूर्व की दिशा में चलते हुए, अमित एक निश्चित स्थान है, सबसे पहले एक निश्चित स्थान हम लोग यहाँ पे ए क्रिएट कर ले। अमित एक निश्चित स्थान ए से उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा कौन है, देखिए नॉर्थ ईस्ट ये वाला उत्तर पूर्व की दिशा है, तो यहाँ से अमित को उत्तर पूर्व की दिशा में ले चलते हैं। चला गया अमित उत्तर पूर्व की दिशा में। तो अमित एक निश्चित स्थान ए से उत्तर पूर्व की दिशा में चलते हुए 5 मीटर की दूरी तय करता है, ये जो भी लेता है ये कितना दूरी तय कर रहा है, 5 मीटर की दूरी तय कर बिंदु बी पर पहुंचता है। यहां से कहते हुए वो बिंदु बी पर पहुंच जाता है। वहां से वह पूर्व की दिशा में चलता है तथा 8 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से पूर्व क्या होगा, ये वाला पूर्व हो जाएगा, देख लीजिए ये उधर पूर्व होता है, यहां से वह हाँ ये कितना दूरी तय करता है, 8 मीटर चलता है और वो कहाँ पर पहुंच जाता है, बिंदु सी पर पहुंच जाता है। वहां से वह पूर्व की दिशा में चलता है तथा 8 मीटर की दूरी करते हुए बिंदु सी पर पहुंचता है। सी से वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन हो जाएगा, ये वाला साउथ वेस्ट बने, ये चलता है मतलब ऐसे चलेगा, ये वाला डायरेक्शन चलेगा, यहाँ से दक्षिण पश्चिम। आपको मैंने पहले कहा कि जहां से डायरेक्शन लेना वहीं पे चित्र कीजिए, यहाँ पे अपना कीजिए, देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम हुआ ना। मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको जहां डायरेक्शन लेने में दिक्कत होता है वहीं पर ये वाला चित्र बना लिया कीजिएगा, आपको डायरेक्शन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिंपल सा वे है कि सर किधर दक्षिण पश्चिम होगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, कुछ नहीं, बस अपना चित्र खींचिए और उसी के आधार पर ये ले लेंगे, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम की दिशा में, वहाँ से वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाते हुए ए बी के समान दूरी तय कर, ए बी के समान यानी कि ये भी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, समान दूरी तय कर बिंदु डी पर पहुंचता है और इस बिंदु का नाम दिया हुआ है बिंदु डी, डी पर पहुंच गया। अंत में वहां से वह पश्चिम की दिशा में मुड़कर प्रारंभिक बिंदु ए पर पहुंचता है। यहां से यह पश्चिम मुड़ता है, यहां से पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला भाग पश्चिम होगा, यहां से वह पश्चिम मुड़ता है और प्रारंभिक बिंदु ए पर पहुंच जाता है। आप कुछ नहीं दिया हुआ है, बोलता है कि बताए, तो देखिए ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 8 मीटर, तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 8 मीटर हो गया, और यहीं से देखने से ही लग गया हम लोगों को, है ना। थोड़ा सा इसको खाली ये अच्छा से इसको चित्र को बना दे, हाँ अभी सही हो गया ये, है ना, ये सी हो गया, क्लियर हो गया।
मुड़ जाता है। आप बताइए, तो बताइए कि अमित के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो देखिए अमित के द्वारा कितना दूरी कह गया, ए से लेकर के बी तक अमित कितना चला है, 5 मीटर, प्लस बी से सी लेकर के अमित कितना चला है, 8 मीटर, प्लस सी से डी तक अमित कितना चला है, 5 मीटर, प्लस ए से डी अमित कितना चलता है, 8 मीटर। तो 5 और 5 10 और 8 18 और 8 कितना हो गया, 26 मीटर। यानी अमित द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी हो गई, 26 मीटर। ये तो निकल गया, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमित ने बताइए कि अमित के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो कुल कितनी दूरी, तो कुल दूरी यहाँ पे निकल गया, हम सब कुल दूरी हम लोग कितना निकाल लिए, 26 मीटर। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए कि अमित के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई तथा कौन सी ज्यामितीय आकृति दूरी तय करने के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई, कौन सा ये ज्यामितीय आकृति बन गया है। तो आप देखिए, तो ये वर्ग है, बिल्कुल नहीं, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर रहती है। ये आयत हो सकता है, लेकिन कहीं आयत है, देखिए ये समलंब तो नहीं है, समलंब चतुर्भुज में एक हाइट होता है, ये है समानांतर चतुर्भुज। तो आंसर क्या हो गया, 26 मीटर समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की दोनों भुजा क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात आंसर आपका हो गया 26 मीटर समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए बच्चा, ये क्या होगा, आप जैसे ही प्रश्न आपको प्राप्त होता है एग्जामिनेशन हॉल पे, तो आप देखते के साथ क्या होगा कि आप घबरा जाइएगा कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन, तो छोड़ो बाद में इसको देखेंगे। देखिए कुछ भी था, आप खुद बताइए कि हाँ सर, इस प्रश्न में जरा सा भी कोई पड़ाव था, कोई बिंदु था, कुछ भी, मुझे तो लगता है कि कुछ था ही नहीं प्रश्न में, बस सिंपली एक बच्चा ऐसे प्रश्नों को पढ़ रहा है, देख रहा है और ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाने में वो कामयाब हो रहा है। तो बस इतना सा दिमाग लगा करके आप ऐसे चैप्टर पर बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं छात्रगण। तो कृपया लंबे प्रश्नों पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जितना भी क्वेश्चन बढ़ा रहे आपको घबराना नहीं है, और खासकर जो ये चित्र दिया हुआ रहता है इस पर आपकी कमांड बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, नहीं तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कौन सी ज्यामितीय आकृति बनेगी। ज्यामितीय आकृति का ज्ञान तो चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स तो आपको एक साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो ज्योमेट्रिकल फिगर का जो है वो तो आपको दिमाग में रहना ही रहना है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं और अगले प्रश्न पर आपका स्वागत कर रहे हैं छात्रगण। तो छात्रगण अगले प्रश्न पर हम सब हैं, एक आदमी अपने मकान से उत्तर की दिशा में 2 मीटर चलता है, बस एकदम आरेख, हम तो कई बार सबसे पहले अपना एक अपना एक बना लेना है, इधर में पूर्व, इधर में पश्चिम, इधर में उत्तर, इधर में दक्षिण, ये आपका एकदम की फैक्टर होगा कि डायरेक्शन अपना माइंड में बैठा करके रख लेना, दिमाग में है तो फिर उसको बनाने की आवश्यकता नहीं, चूंकि हम लोग पढ़ा रहे होते हैं इसलिए उसको बनाते, नहीं तो बनाने की उस आवश्यकता नहीं है। एक आदमी अपने मकान से उत्तर की दिशा में 2 मीटर चलता है, आपने कहा मकान से, सपोज कीजिए व्यक्ति का मकान है, तो यहाँ से 2 मीटर ये चलता है, 2 मीटर इसको चला दिए, 2 मीटर बेचारा चल गया, तब वह पूर्व की दिशा में मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, यहाँ से वह पूर्व की दिशा में मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, ले लीजिए एक बिंदु ओ से शुरू करता है, यहाँ ए पहुँचता है, यहाँ बी पहुँच गया, समझाने के लिए आपको एग्जाम में ए बी सी डी आपको कुछ नहीं करना है, और 3 मीटर चलता, फिर वहाँ से वह दक्षिण की दिशा में 6 मीटर चलता है, फिर यहाँ से वह दक्षिण मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तो ये 2 है, तो यहाँ से ये 6 मीटर चलता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे कई कितना काम करेंगे हम लोग, ये 3 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, एक इसको सी ले लेते हैं, यानी कि ये 3 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया, 3 मीटर, ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर हो गया, ये तो एकदम कॉमन दिख रहा है हम लोग को। यहाँ से लेकर के पूरा दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोग का ये 6 मीटर क्या हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ, ये 2 मीटर है, तो ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, हुआ ना। इतना काम देखिए अपने मन से किए, क्वेश्चन देखना की अब जरूरत नहीं था, हम क्या क्या कर सकते थे वो कर लीजिए अपने मन से। तो बताएं कि वो मकान से कितनी दूरी पर है, तो मकान तो मेरा ये वाला है, ये वाला मकान था, यहां से ये कितनी दूरी पर है, देखिए ये दूरी निकालने के लिए कह रहा है, निकल जाएगा, इसको मान लेते हैं डी, हमको निकालना है ओडी, तो बताइए ओडी बराबर क्या होगा, रूट अंडर पाइथागोरस बन चुका है, तो किसका किसका स्क्वायर होगा, एक ठो सी डी का स्क्वायर, और प्लस किसका, ओसी का स्क्वायर, सी डी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ओसी कितना है 3 का स्क्वायर, रूट में है, पाइथागोरस का फॉर्मूला पढ़ा चुके थे, 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, आंसर कितना आ गया 5, हमारा यूनिट कौन चल रहा है मीटर, तो आंसर क्या चीज़ में आ गया मीटर में, देखिए 5 मीटर।
कोई दिक्कत नहीं है। कितने आसान तरीके से, बस मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर डायग्राम बच्चा अच्छा से बना लेता है, अगर उसको डायग्राम पर वो अच्छा काम कर लेता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस लॉलीपॉप है। और थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए भाई कि हाँ सर देखिए, हम अपने मन से ये 3 मीटर था तो ये 3 मीटर कर लिए, ये 2 मीटर था तो ये 2 मीटर कर लिए, अब टोटल 6 था तो ये 2 जब मिल गया तो अब 4 ही ना बचा, ये दोनों डायग्राम खींच कर इस तरह का एक आरेख की चित्रण कर लिए, वो खुद ब खुद हो जाएगा। आप क्वेश्चन अभी बढ़ते, मान लीजिए कि आप नहीं करते, आप 6 मीटर तो 4 × 2 = 6 मीटर तो खींचते, ये लंबा लाइन होता, 2 मीटर की तुलना में 6 मीटर का लाइन तो लंबा रहेगा, ये पहले आपको पढ़ा चुके हैं। अब जब आप ये काम करने के लिए पहुंचते हैं, करने जाते हैं, तो आप देखते सीधे सीधे कि ये से ये दूरी पूछ रहा है, ऑब्वियसली दोनों को आप मतलब मान लेते, ये दोनों को मान लेते, तो एकदम बहुत आसानी से ऐसे काम किए जा सकते हैं। जरूरत यही है कि बस इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाने की आवश्यकता पड़ती है छात्र। ठीक है ना, अगले पड़ाव पर लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं छात्र। छात्र अगले क्वेश्चन पे हैं, अगले पड़ाव पर हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज पूरी क्लास एकदम आपको जम के प्रैक्टिस करा देंगे। आप कभी भी मेरा बनाया हुआ हल नहीं देखिएगा, मैं आपको कई बार कहता हूं कि जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आप देखते हैं, खुद क्वेश्चन को लिख लीजिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लिखने में, और उसके बाद आप वीडियो को जो है पॉज कर लीजिए और उसके बाद खुद बना करके देखिए। जब नहीं बनता है तब जाकर के टीचर्स का हल देखना है कि सर ने इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया और मैं कहाँ गलती कर रहा था। ये चीज जिस जो बच्चा कर लेता है, समझ जाइए कि उसकी तैयारी बहुत बहुत परफेक्ट हो सकता है। छात्र डायरेक्शन टेस्ट पे सवाल है क्वेश्चन छात्र कि ए और बी एक जगह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना, ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक जगह से चलना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि वो जगह ओ है जहां से ये दोनों चलना शुरू करेगा विपरीत दिशा में, एगो एने जाएगा एगो एने, कौन किधर जाएगा वो अभी पता करेंगे। ए और बी एक जगह से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं तथा ए 3 किलोमीटर चलता है और बी 3 किलोमीटर चलता है। अब तो ये दिशा नहीं दिया हुआ है बाबू कि किस दिशा में चलता है, बस अंडरस्टैंड कर लीजिए ए 3 किलोमीटर भी मान के बनाएंगे। चलो सपोज करते हैं कि इधर मान लेते हैं ए 3 किलोमीटर चलता है, यहां से यहां तक मान लेते हैं कि दूरी 3 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर बी एक दूसरे के विपरीत में चलता है तो यहां से ये 3 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी का हो गया 3-3 किलोमीटर चल गया दोनों को। इसके बाद ए दाएं मुड़ जाता है। अब अगर ए यहां से यहां ए चल रहा है तो ए यहां से दाएं मुड़ करके दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ए दाएं मुड़ करके अब देखिए ए यहां पहुंच गया है, ओ से चला था, ए यहां 4 किलोमीटर दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है तथा बी दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, बी भी दाएं मुड़ता है, बी भी मेरा दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है 4 किलोमीटर। ये डायग्राम आपका बन गया। बोलता है तो बताइए कि ए और बी के बीच कितनी दूरी है। देखिए ये दूरी निकालने के लिए बोल रहा है आपको, यहां से लेकर के हाँ बस, अर्थात ए यहां से बी, आज यहां बी लिख दे, ए बी की दूरी आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। कितने आसानी से हम लोग निकाल लेंगे देख लीजिए, क्या कर लेंगे, एओ कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से एओ निकाल लीजिए और AO का जितना वैल्यू आएगा वही वैल्यू BO का भी होगा, क्योंकि ये 4 ये 3 ये 4 है, तो कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर रूट अंडर कितना 4 का स्क्वायर जोड़ कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 अंडर रूट 5, ये कितना किलोमीटर आ गया 5 किलोमीटर। जब ये 5 किलोमीटर तो ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर होगा, तो ए से बी की दूरी कितनी होगी, तो ए बी बराबर क्या होगा एओ प्लस ओ बी, ये कितना निकालने हैं 5 और ये 5 है, दोनों का डिस्टेंस किलोमीटर में, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत, तो बहुत ही आसान तरीके से छात्र ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। मैं कई बार कह रहा हूं कि केवल आरेख पर आप ना डरे, अगर आप आरेख खींच पाने में कामयाब हो रहे हैं, अच्छे सुंदर आरेख आप बना सकते हैं, तो आप मान के चलिए कि पूरी जो कहानी आपकी है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है और पूरे चैप्टर आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कई प्रश्न आज आपके बीच में आ रहे हैं, ये तो मुझे लगता है तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, कई पड़ाव पर आपको लेके चल रहे हैं और दूरी ज्ञात करने के लिए जम के प्रैक्टिस करा दे रहे हैं क्लास में, ताकि डिफरेंट क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आप एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आइए लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर छात्र। अगले प्रश्न की ओर है हम सब, कहता है कि पंकज 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो पंकज को 10 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। पंकज 10 मीटर उत्तर की ओर चला गया, चित्र आपको एकदम याद होना चाहिए, डायरेक्शन एकदम पूरा क्लियर आपका, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये एकदम क्लियर होना चाहिए।
अब कहता है कि पंकज 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, पंकज को 10 मीटर उत्तर की ओर चला दीजिए, तब वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहाँ सवा दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चल गया पंकज। वह फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब देखिए यहां से वह 25 मीटर, देखिए यही सब ध्यान रखा जाता है, ये 10 मीटर है तो 25 मीटर की लाइन लंबी होगी। अब एकदम यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है आपकी, 25 मीटर है। अब ये 20 हुआ तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। ये 10 है तो ये भी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। क्लियर, मुड़कर 25 मीटर, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, कहाँ गया, हाँ 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर। क्वेश्चन छूटा नहीं ना, पंकज 10 मीटर उत्तर की ओर चला है, तब वह दाएं मुड़कर के 20 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़कर के 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़कर के इसको चला दीजिए 15 मीटर, यहाँ से वो कितना चलता है 15 मीटर, वो बाएं मुड़कर के 15 मीटर चलता है, अंत में वो फिर वह बाएं मुड़कर 15 चलता है, फिर यहाँ से वो 15 मीटर चलता है। तो ये ले लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ले लेते हैं 15 मीटर, ठीक है। तो देख लीजिए ये 10 था तो यहाँ पर ये टोटल 25 था, ये 10 था ये 15 है, तो ये भी कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। तो 15 मीटर और 10 मीटर पूरा 25 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये 15 गया है, ये भी, ये 15, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। ले लेते हैं, देखते हैं अगर काम आता है तो आएंगे, देख लेते हैं। क्लियर हो गया ना, एकदम डायग्राम में कहीं कोई इशू है, ये वाला 25 में इसको 10 में बांट दिए, ये 10 और 10 और ये 15, 15 और 10 कितना होता है 25, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 दिया हुआ था तो 15 और 10 में डिवाइड कर दिए इसको पूरा। इस स्थिति में पंकज अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, पंकज अपनी मूल स्थिति से, तो पंकज की मूल स्थिति कहाँ थी बताइए, पंकज की मूल स्थिति यहाँ थी, पंकज की मूल स्थिति यहाँ थी, तो इस स्थिति में पंकज अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर तथा किस दिशा में, कुछ है क्वेश्चन में दम बताइए हमको। यहाँ से हो गया, यहाँ से 20 मीटर और 15 मीटर, तो 20 और 15 कितना हो गया 35, और ये कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी है, पूर्व है, ये दिशा कौन सा है, पूर्व ना है। पंकज यहाँ खड़ा है ना जी, अभी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, ये 20 और ये 15, तो 20 और 15 कितना हो गया 35 मीटर पूर्व, तो आंसर कितना हो गया 35 मीटर पूर्व। तो छात्रगण मैं वही बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि अगर आरेख अच्छा खींचा जा सकता है, अगर आरेख सटीक खींच लिए गए, तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको किसी भी प्रकार के ऐसे प्रश्नों पर कोई भी आपको दिक्कत होता है या कोई भी किसी तरह का कोई भी इश्यूज होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है। तो आप सबको बहुत ही मनोयोग और बहुत ही तरीके से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाना चाहिए, सो दैट कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छा से हल कर पाने में कामयाब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आरेख अच्छा से खींचिए, दिमाग में रखिए कि जब 25 दिया हुआ है, ये 10 है तो ये 10 कर सकते हैं, ये 20 है तो ये 20 कर सकते हैं, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं छात्रगण, जरूरी यही है कि हल्के से कंसेप्ट लेकर के ऐसे प्रश्नों को बढ़ा जाए। तो डायरेक्शन टेस्ट में आपको मास्टर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, और आज की पूरी क्लास तो हम दूरी निकालने के लिए सिखा ही रहे हैं। चलिए अगले पड़ाव पर पुनः आपको लेकर चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। छात्रगण बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पे हैं, और आपको मैं सलाह दूंगा कि जब आप प्रैक्टिस घर में कर रहे होंगे तो इन सब प्रश्नों को हल करने के पहले अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद ही इसका हल बनाइएगा। देखिए क्या कहता है, राकेश लांबा अपने नियत स्थान से दक्षिण पूर्व की दिशा में, हमको पहले बताएं कि जहां आपको कन्फ्यूजन होता है अपना एक अपना ड्रॉ कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, हिंदी या इंग्लिश में जो आपको अच्छा लगे वो ड्रॉ कर लीजिए। राकेश लांबा अपने नियत स्थान से दक्षिण पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है। दक्षिण पूर्व कौन सा है मेरा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व ये हो गया, यहाँ से 10 मीटर, यानी कि राकेश लांबा अपने नियत स्थान से दक्षिण पूर्व की दिशा में 10 मीटर चलता है, यानी कि दक्षिण पूर्व की दिशा मेरा हो गई ये मेरा 10 मीटर हो गया, दक्षिण पूर्व ना, और सॉरी साउथ ईस्ट ये ना हो गया जी, दक्षिण पूर्व है ना क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व है, तो यानी ये चला, ये नियत स्थान है राकेश लांबा का, यहाँ से चलता है, मान लेते हैं ये ओ है, यहाँ से वो 10 मीटर चलता है दक्षिण पूर्व की दिशा में। क्लियर हो गया।
वहां से वह दक्षिण पश्चिम की दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर यहां से सपोज कीजिए यहां तक ए पहुंचा था, और यहां से फिर वह दक्षिण पश्चिम, ये वाला साउथ वेस्ट, यहां से दक्षिण पश्चिम, फिर ये 10 मीटर चलता है। देख लीजिए, अगर इस एंगल पे अगर हम कहें कि यहां से सपोज कीजिए ये बी पे पहुंचता है, ये वाला और इसके बीच में कितना डिग्री का ये एंगल बनेगा बताइए तो, 90 डिग्री का बनेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, डायरेक्शन टेस्ट में मैंने आपको पहले ही सिखाया कि अगर एंगल नहीं दिया हुआ है, अगर प्रश्न में एंगल का अभाव है, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो आपको हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ना है। इस चीज को आपको कई बार हमने समझाया है कि जब मुड़ने की जो क्रम होगी वो हमेशा आपका 90 डिग्री पर मुड़ेगा। डिग्री दे दिया है तभी आप 45 क्रिएट करेंगे, 60 क्रिएट करेंगे, जब डिग्री दिया हो नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। पॉइंट्स क्लियर हो गया अच्छी तरह से, क्योंकि मुड़ने की दिशा हमेशा सीधा होती है जब तक कि प्रश्न में एंगल नहीं दिया हुआ हो। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया, यहां तक आ गया, ये प्रश्न का प्रारंभिक रूप था, 10 मीटर चलता है यहां भी। तो बताएं कि अब वो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा व कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थिति इसका ये है, अंतिम स्थिति इसका है, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या करना है, निकाल देना है। तो आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है मेरा, सीधे सीधे हम लोग OB निकाल लेंगे, तो OB बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कर लेंगे, OA मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर जोड़ AB भी 10 का स्क्वायर है, रूट अंडर कर लेंगे, 100 प्लस 100 कर लेंगे, इसको रूट अंडर कर देंगे, ये हो जाएगा 200 और ये कर देंगे 10√2, यही आंसर हो गया, खोज लेंगे फटाक से 10√2 मीटर। अच्छा हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, बताएं कि अब वो प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा व कितनी दूरी पर, दिशा अगर पूछ रहा है तो प्रारंभिक स्थिति से वो कौन सा दिशा है, प्रारंभिक स्थिति इसका ये था और ये यहाँ था, तो अभी तो ये यहाँ था, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा है, प्रारंभिक स्थिति यहाँ से जब ये देखेगा प्रारंभ कौन दिशा होगा, ऑब्वियसली ये उत्तर की ओर है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर है। तो देखिए, अगर कोई एक हल आप निकाल लीजिए, देखिए केवल उत्तर का आंसर निकाल करके आपका नहीं निकलता, क्योंकि उत्तर दो ठो ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपको इसका गणितीय हल निकालना था, इस समीकरण का मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालना था, मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालने के बाद आप इसको हल कर पाने में कामयाब हो जा रहे थे छात्र के। यही पूरी कहानी थी इस पूरे चैप्टर का, पूरे कई दिलचस्प क्वेश्चंस आपके बीच प्रस्तुत किए थे, अभी और कई दिलचस्प क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि आपके सामने मुझे लेकर के आना है, तो चलिए जल्दी से अब अगले प्रश्न की ओर लेकर के आपको चलते हैं, आइए आगे की ओर लेके चलते हैं। बहुत स्वागत करते हैं छात्र के, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन पर पुनः आपका स्वागत कर रहे हैं। सुजय के घर से उसका विद्यालय 10√2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। सुजय का जो घर है उससे उसका विद्यालय, सपोज कीजिए कि ये सुजय का घर है, इसको हम लोग ओ मान लें, ये सुजय का घर है, सुजय के घर से उसका विद्यालय 10√2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में है। फिर अपना डायरेक्शन खींच लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो सुजय के घर से उसका विद्यालय 10√2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला, यहाँ से सुजय का घर जो है इधर होगा उत्तर पश्चिम की दिशा, यही होगा इसके आधार पर उत्तर पश्चिम, यहाँ पर क्या उसका विद्यालय, विद्यालय, और ये क्या हो गया सुजय का घर, सुजय का घर। बाद में चित्र अगर अच्छा नहीं बनेगा तो इसको मिटा के फिर हम लोग कर लेंगे अच्छा से। सुजय के घर से उसका विद्यालय 10√2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके पिता का कार्यालय वहां से, कहां से, देखिए ये विद्यालय से, उसके पिता का कार्यालय वहां से 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहां से इसके पिता का कार्यालय 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, ये कौन सा दिशा हो गया, साउथ हो गया, और यहां पर इसके पिताजी का कार्यालय है और ये भी कितना है 10 मीटर हो गया, 10 किलोमीटर है, ठीक है ठीक है ठीक है, 10 किलोमीटर और ये है 10√2 किलोमीटर, क्वेश्चन था ना 10√2 किलोमीटर पर उत्तर पश्चिम। विद्यालय से सिनेमा घर 10 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में स्थित है। विद्यालय से सिनेमा घर 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है, तो यहाँ से सिनेमा घर जो है आपका 10 किलोमीटर पूर्व की स्थिति में, ये हो गया आपका सिनेमा घर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो बताएं कि उसके पिता के कार्यालय से, अभी छोड़ दीजिए पहले सबको मिला लेते हैं अच्छी तरह से, इसको यहाँ मिला लेते हैं, मिल गया। अब देखिए ये जो लिए थे इसको थोड़ा सा हम लोग इसको डायगोनली यहाँ पे मिला लेंगे, ये दिया हुआ था 10√2 किलोमीटर है ना, ये सुजय का घर हो गया, ये यहाँ पे मिल गया,
काम कीजिए, ये 10 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, तो ये भी 10 किलोमीटर। यहाँ ओ से, यहाँ ओ स्टार्ट किए थे, इसको ए मान लीजिए, यहाँ से बी मान लीजिए, यहाँ से सी, यहाँ से ओ है ही। ओके, यही आपका पूरा चित्र दिया हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ देता है, तो बताएं कि उसके पिता के कार्यालय से सिनेमा घर कितनी दूर व किस दिशा में है। पिता के कार्यालय से मतलब ये वाला, ये पूछ रहा है, ये डायगोनली रिलेशन पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा और किस दिशा में। तो दिशा तो यहीं से दिख गया, यहाँ से ये दिशा कौन सा, उत्तर पूर्व में है। तो पहले उत्तर पूर्व खोज लेते हैं। देखिए उत्तर पूर्व का दो ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ओ ए, ओ ए ये 10 है, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा ओ सी, क्योंकि सभी कितना मेरा है 10 किलोमीटर है ना जी। तो सब बराबर हो गया, जब सब भी बराबर हो गया तो ये वर्गाकार आकृति बन गया। वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही खाली कंसेप्ट रखिए कि वर्ग का दोनों विकर्ण का मान बराबर होता है। तो ये 10√2 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। आपको लगता है नहीं सर मेरे पास वो कंसेप्ट नहीं था, तो बना के देखिए। आपको कार्यालय से सिनेमा घर निकालना है, कि ए सी आपको निकालना है, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको निकालना है ए से लेकर के सी तक। तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ये वाला ए ओ का स्क्वायर, फिर रूट अंडर कर लीजिए, ए ओ का स्क्वायर जोड़ ये वाला स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर। तो ए ओ कितना है 10 का स्क्वायर, जोड़ ओ सी भी कितना है 10 का स्क्वायर, रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे, ये 100 प्लस हो जाएगा 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 200 रूट अंडर, बराबर हो जाएगा 10√2। ये 10√2 क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो बहुत ही आसान तरीके से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। बस बरसते एकदम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अपने माइंड पे होना चाहिए। मैं कई बार कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे प्रश्नों को आप जवाब देंगे, वीडियो को पॉज करके अपने स्तर से प्रश्न का जवाब देंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे छात्रगण। आइए आपको अब अगले प्रश्न की ओर लेकर के फिर चलते हैं, फिर एक दो दिलचस्प क्वेश्चन और करवाते हैं। तो छात्रगण अंतिम प्रश्न पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, डायरेक्शन टेस्ट का दिशा संबंधी प्रश्नों के अंतिम प्रश्न पर आपका स्वागत कर रहे हैं। छात्रगण ये पूरी कहानी क्या है देख लीजिए। सौरभ शुक्ला एक निश्चित बिंदु से 2 मीटर पूर्व चलता है। डायरेक्ट अपना चित्र बनाएंगे, आपको पहले बताए थे एक डायरेक्शन टेस्ट ड्रॉ कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। सौरभ शुक्ला एक निश्चित बिंदु से 2 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ये एक निश्चित बिंदु है सौरभ शुक्ला, कहाँ से ले यहाँ से वो 2 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चला दिए उसको 2 मीटर, कहीं कोई दिक्कत। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, यहाँ से वो दाएं टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है, चला दीजिए 5 मीटर इसको, चला दिए 5 मीटर इसको, चलता है। तब वह फिर दाएं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। देखिए अब 8 मीटर की लाइन लंबी होगी, चूंकि 2 का हम देख लिए हैं, यहाँ से वो 8 मीटर दाएं ओर मुड़कर चलता है, यहाँ से दाया तो इधर ही होगा ना, 8 मीटर चलता है, चल गया 8 मीटर, तब दाएं मुड़ करके 8 मीटर चलता है, तब फिर दाएं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, फिर यहाँ से वो मुड़ के 8 मीटर। अब देखिए ये 5 है, यही सब दिमाग लगाना है हम लोग को। फिर ये 5 हो गया, तो ये भी कितना हो गया मेरा, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, है ना, 8 मीटर की लाइन और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ 8 मीटर, ये 5 है, तो ये भी मेरा कितना हो गया, यहाँ तक ये 5 था, तो ये भी कितना हो गया मेरा 5 मीटर, और ये 8 मीटर, यहाँ तक 2 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर 2 मीटर 8 मीटर, 8 मीटर 5 मीटर, आयताकार बन भी गया मेरा, यहाँ तक हो गया। तब फिर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, यहाँ से फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये सॉरी कितना, ये था ये 8 मीटर है ना, तब फिर दाईं ओर मुड़ करके 8 मीटर चलता है, अच्छा यहाँ से फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 8 मीटर चलता है। तो ये 5 था, ये 5, और ये 3 मीटर और ले लीजिए यहाँ से, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8 दिया हुआ भी है मेरा, 8 यहाँ से यहाँ तक 8 दिया हुआ है। अंत में वो फिर दाईं ओर 13 मीटर चलता है, यहाँ से फिर वो 13 मीटर चलता है। तो देखिए इस कहानी का गढ़ेंगे, ये वाला 6√2 8, यहाँ पर ये 8 हो गया, और इधर कितना हो गया 5 और बढ़ा दीजिए 5 मीटर, कुल मिला के कितना मीटर हो गया 13 मीटर हो गया, यहाँ से 8 और 5 कितना होता है 13 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, तो बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से ये कितनी दूरी पर स्थित है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, यही ना कहानी है जी पूरा का पूरा, क्या और भी कुछ कहानी है, कोई कहानी है क्या और कुछ भी। तो प्रारंभिक बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर स्थित है,
तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम भाग दाईं ओर मुड़ करके 13 मीटर चलता है। फिर एक बार चित्र को अच्छी तरह से समझ लीजिए, सौरभ शुक्ला एक निश्चित, एक सेकेंड जैसा, सौरभ शुक्ला एक निश्चित दिन 2 मीटर दाएं मुड़ करके बिंदु से 2 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़ करके 8 मीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़ करके 13 मीटर चलता है। वहीं पे ये हो रहा है, ये जो हम लोग चित्र लिए हैं अब ये यहाँ नहीं चलता है, ये एक एक्स्ट्रा लिखा गया है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन इतना है कि अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ करके 13 मीटर चलता है, तो बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर स्थित है। और इसलिए हम सबों का जो फिगर है वो ड्रॉ हो पाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जा रहा है हम सबों को, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया मेरा कि सौरभ शुक्ला एक निश्चित बिंदु से 2 मीटर पूर्व चलता है। ओके, क्वेश्चन में ये रॉन्ग लिखा गया था छात्रगण, 2 मीटर पूर्व चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है। तो सौरभ शुक्ला एक निश्चित बिंदु से 2 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो सौरभ शुक्ला का चलने का बिंदु ये है, ओ ले लेते हैं, यहाँ से वो 2 मीटर पूर्व की ओर चलता है, चल दिया 2 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है, यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है, इसको 5 मीटर चला दीजिए, यहाँ से चल गया 5 मीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़ करके 8 मीटर चलता है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये 2 मीटर है तो ये भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये टोटल यहाँ से 8 मीटर चलता है, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, हो गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ करके 13 मीटर चलता है, देखिए अंत में वो दाईं ओर मुड़ करके 13 मीटर चलता है, तो ये 5 है यहाँ तक, ये तो 5 हो गया, एकदम आंख बंद कर लीजिए, और फिर यहाँ से 8 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 8 मीटर, तो 8 और 5 कितना मीटर हो गया यहाँ पर 13 मीटर, ये आपका पूरा चित्र भी बन करके आ गया, है ना। अब देख लीजिए ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, तो बताइए ये दूरी कितना मीटर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर का। तो बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, ये वाला अंतिम बिंदु, ये डिस्टेंस कितना होगा, यही तो चित्र बन रहा था, हम सब क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखे हुए थे इसके कारण पगला रहे थे, हो गया। अब हमको ये निकालना है, तो देख लीजिए पाइथागोरस बन गया, ये 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 64 और 6 6 कितना 36, ये कितना हो गया 100, ये वैल्यू कितना हो गया 10, तो मेरा 10 क्या चीज़ में आंसर आएगा मीटर में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 10 मीटर। थोड़ा सा ध्यान लगा करके छात्रगण, एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान रखना पड़ा, एक ही डिस्टेंस बार बार लेंगे तो चित्र क्या होगा, आरेख पर जहां आपका हाथ फंस रहा है, मैं आपको कई बार कहता हूं जहां आपके आरेख पर हाथ फंसे वहां क्वेश्चन को दोबारा टर्न आउट कीजिए, क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, और दोबारा देख करके इसका हल निकाल पाने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया, कहीं डायग्राम में कहीं कोई इश्यूज तो नहीं है आपको, इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया 10 मीटर। तो छात्रगण हमने दिशा संबंधी प्रश्नों में, डायरेक्शन टेस्ट में, हम सब दूरी निकालने के कई पड़ाव पर आज आपको क्लास में लेकर के गए थे। इन पड़ावों पर आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, और आपने देखा कि किस प्रकार से दिशा और दूरी पर समन्वय स्थापित करके ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। 2 कंसेप्ट साथ ही साथ आपका चलना चाहिए कि दिशा संबंधी प्रश्नों में पहले आपके दिशाओं का ज्ञान जबरदस्त होना चाहिए, और साथ ही साथ दूरी ज्ञात करना आपको बखूबी आना चाहिए। दूरी ज्ञात करने के लिए आपको 3 फॉर्मूला बताए थे, वर्ग की आकृति की, वर्ग की आमने सामने की सभी भुजाएं जो है वर्ग में बराबर होती हैं, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और साथ ही साथ जो होता है आपका जो समानांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इन सब की जानकारी रखेंगे। और उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम है पाइथागोरस का थ्योरम, उसमें हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको बताया गया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस 2-3 कंसेप्ट के सहारे आप ऐसे प्रश्नों का बहुत अच्छा से जवाब दे सकते हैं, और डायरेक्शन टेस्ट पर आप मास्टर और बादशाहत हासिल कर सकते हैं। आपको याद होगा छात्रगण कि जब हम सब अपने प्रीवियस क्लास पर थे, जब डायरेक्शन टेस्ट को हमने शुरू किया था, तो मैंने आपको यही कहा था कि दिशा संबंधी प्रश्न में कोई भी बच्चा अच्छा कर सकता है, बस उसको थोड़े से दिशा का ज्ञान चाहिए, और राइट और लेफ्ट मुड़ना उसे बहुत अच्छी तरह से आता हो। अगर वो इन चीज़ों पर सीख पाने में अपनी कामयाबी हासिल रखता है तो बहुत अच्छा कर पाने में कामयाब होगा। तो आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आज की क्लास भी हम सब यहीं पे समाप्त घोषित करते हैं छात्रगण। कल की क्लास हमारी अंतिम क्लास रहेगी डायरेक्शन टेस्ट की, जहां पर आपको हम शैडो पढ़ाएंगे, और शैडो पढ़ा करके, छाया पढ़ा करके कल की क्लास हम सब डायरेक्शन टेस्ट की खत्म करेंगे। तो कल की बातें कल की क्लास में करेंगे, आज की बातें यहीं तक करेंगे। आप सब खुश रहिए, मजे में रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।